ओके हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर मैथमेटिक्स। दिस इज द कॉमन लेक्चर फॉर स्टैंडर्ड 8 to 10th। वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस, एक्चुअल सिलेबस राइट नाउ। फर्स्ट वी विल बी फोकसिंग ऑन आवर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट है मैथ्स के, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो जो बेसिक पॉइंट्स है, लाइंस है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस है, क्वाड्रिलेटरल्स है, नंबर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, कैसे ऐड करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स के, उसको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। सो आर इनिशियल लेक्चर्स, फर्स्ट 5 to 7 लेक्चर्स आर गोइंग टू बी ऑन जनरल मैथमेटिक्स, नॉट ऑन आर एक्चुअल सिलेबस। ओके, सो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखो। क्या इस पर्टिकुलर लेक्चर में, आपके पहले लेक्चर में मैं समझा रहा हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश करो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, इन आर फर्स्ट लेक्चर, वी आर गोइंग टू स्टडी लाइंस, सेगमेंट्स एंड एंगल्स। ओके, वी विल बी ऑल्सो फोकसिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कौन कौन से टाइप्स है वो भी हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट देन। सो आर फर्स्ट पॉइंट इज लाइंस। आप लोगों ने पढ़े हैं, ये पढ़ाया जा रहा है आपको 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से, लाइंस। ओके, दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। सो व्हाट इज लाइन? इट इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। डेफिनेशन क्या है इसका? ये एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल, मतलब क्या, सिर्फ एक डायमेंशन में है, ये सिर्फ एक ही एक्सिस के तरफ आपको दिखेगा, एक्स एक्सिस के तरफ या फिर वाई एक्सिस के तरफ या फिर जेड, लेकिन तीनों एक्सिस की तरफ इसका डायमेंशन नहीं होता है। इसका डायमेंशन क्या है? सिर्फ एक डायरेक्शन में ही है। ओके, दैट हैज नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। ओके, एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, इसके दोनों साइड्स में, दोनों एंड्स में एरो ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर एक एरो है, देखो यहाँ पर एक एरो है और यहाँ पर भी, देयर आर एरोज इन द राइट साइड एंड इन द लेफ्ट साइड। सो ये दोनों साइड्स में जो एरोज है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर लाइन ए बी, दिस इज एक्सटेंडिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन लेफ्ट डायरेक्शन टू अ इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहे हैं दोनों डायरेक्शंस में। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, सो लाइन को हम लोग मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ लाइन इन मैथमेटिक्स? एज यू कैन सी, वी रिप्रेजेंट अ लाइन एज एल ऑफ ए बी और एल ऑफ बी ए। अगर यहाँ पर आपको लाइन ए और बी दो कैपिटल लेटर्स में इंडिकेट किए गए, तो उसको हम लोग एल ऑफ ए बी कंसिडर कर सकते हैं या फिर एल ऑफ बी ए भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, याद रखना है कि ये जो ए बी है, दिस ए बी मस्ट बी रिटन इन साइड अ राउंड ब्रैकेट। ये हमें राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चलेगा, कर्ली ब्रैकेट भी नहीं चलेगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि ये ए बी या फिर बी ए, हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल एम। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइन एम। ओके, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइन एम। नाउ वन मोर बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग लाइन, दैट इज, रिमेंबर एवरी वन दैट यू कैन नॉट मेजर अ लेंथ ऑफ अ लाइन। आप किसी भी लाइन के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि ये जो लाइन है वो एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। हमें मालूम नहीं कि ये लाइन कहाँ पे रुकने वाली है, ये कहाँ पे एंड होगी, ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम लोग लाइन के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर अ लेंथ ऑफ ए लाइन, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ विल हेड टूवर्ड्स नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज रेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? रे है। अब सो व्हाट इज रे? रे क्या है? देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट ए है, ये क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से रे स्टार्ट हो रहा है। और इसका ये एंड कहाँ पे होने वाला है, ये हमें मालूम नहीं है। दिस पर्टिकुलर रे इज गोइंग टू कवर
इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको एक्सटेंशन देखने मिलने वाला है इस रे में। सो व्हाट इज रे? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन एंड पॉइंट क्या उसका फिक्स्ड नहीं होता है, वो एक्सटेंड होने वाला है। अब रे को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रे इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज रे ऑफ ए बी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रे ऑफ ए बी। याद रखना है कि इस ए बी जो ये अल्फ़ाबेट्स है, ये हमें राउंड ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करना है। वी कैन नॉट यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, रिमेंबर दिस। और जब कभी भी हम लोग रे ए बी को डिनोट करेंगे, ध्यान रखना है कि जो उसका फिक्स पॉइंट है, जहाँ से आपका रे स्टार्ट हो रहा है, उस अल्फाबेट को हम लोग सबसे पहले कंसिडर करने वाले, दैट इज ए को। हम लोग रे ऑफ बी ए नहीं लिख सकते, रे ऑफ ए बी ही चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रे है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, रिमेंबर दिस। जैसे हम लोग लाइन के डायमेंशन को मेजर नहीं कर सकते, लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, सिमिलरली वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ रे। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर रे इज एक्सटेंडिंग। हमें मालूम नहीं कि ये रे कहाँ पे ख़त्म होने वाली है, कितना डिस्टेंस कवर करने वाली है, इसलिए हम लोग इसके भी डायमेंशन को मेजर नहीं कर सकते। नाउ वी विल सी व्हाट इज सेगमेंट। सो सेगमेंट क्या है? इसका यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखने मिल सकता है कि सेगमेंट को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ लाइन सेगमेंट। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये भी क्या है? लाइन का ही पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाई टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। देखो, लाइन में एंड पॉइंट्स नहीं थे, दोनों डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो रहा था। रे में एक एंड पॉइंट है और दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है। इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन ऑफ द साइड। लेकिन सेगमेंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में आपको देखने मिल सकता है कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो देर इज एंड पॉइंट एंड ऑन द राइट साइड ऑल्सो देर इज एंड पॉइंट। मतलब यहाँ पर एरो नहीं है, देर इज नॉट एरो इन द लेफ्ट साइड नाइदर ऑन द राइट साइड। सो अ सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज सेग ऑफ ए बी और सेग ऑफ बी ए। हम लोग सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो सेग ऑफ ए बी या फिर सेग ऑफ बी ए कंसिडर कर सकते हैं। यू कंसिडर बी फर्स्ट और ए फर्स्ट, डजेंट मैटर। सो ध्यान में रखना है सेगमेंट क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इसे हम लोग ने बाउंड किया है, मतलब इसके लेफ्ट साइड में एरो नहीं है, राइट साइड में एरो नहीं है। दिस इज नॉट एक्सटेंडिंग, इट हैज़ अ फिक्स डायमेंशन। सो हम लोग सेगमेंट के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर अ लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड है, दो दो पॉइंट से फिक्स्ड किया हुआ है। सो हम लोग इसके लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दिस कैन बी 2 मीटर्स और 2 सेंटीमीटर, या फिर ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है। सेगमेंट का डायमेंशन हम लोग मेजर कर सकते हैं, रिमेंबर दिस। नाउ आई विल सी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज एंगल्स। नाउ व्हाट इज एंगल? एन एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय टू रेज। ये ऐसा फिगर है जो दो रेज से तैयार होता है। दो रेज जब कंबाइन होंगे तब आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। इसके दोनों रेज को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, साइड्स ऑफ एंगल बोल सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट साइड, रे वन इज योर फर्स्ट साइड एंड रे टू इज योर सेकेंड साइड। दैट हैज अ कॉमन एंड पॉइंट। ये क्या है, रे वन का जो एंड पॉइंट है और रे टू का जो एंड पॉइंट है, दोनों भी क्या है, सेम है। दोनों भी क्या है, यहाँ पर सेम है। ये देखो, रे वन का एंड पॉइंट और रे टू का एंड पॉइंट दोनों भी एक ही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। वी कॉल इट एज वर्टेक्स ऑफ एंगल। अब ये जो एंगल है ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, सो ऑब्वियसली इसका भी हम लोग के पास डायमेंशन होना चाहिए। सो एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इन यूनिट कॉल डिग्रीज। वी मेजर एंगल इन यूनिट कॉल डिग्रीज। ये जो एंगुलर डिस्टेंस है रे वन से लेकर के रे टू तक का, इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब ये जो डिग्रीज है, ये डिग्री सेल्सियस वाला डिग्री नहीं है, दिस इज नॉट डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, जस्ट डिग्रीज है। और ये डिग्रीज का
रेंज कहाँ से कहाँ तक है? इट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड इट एंड्स टू 180 डिग्री. एंड कहाँ पे होता है ये? 180 डिग्री पे एंड होता है. रिमेंबर दिस. एंगल का मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 180 पे खत्म होता है. ये आप लोगों के लिए 180 पे खत्म होता है. हायर क्लास के लिए इसका डायमेंशन अलग है. ओके सो याद रखना आपको, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड एंड्स एट 180 डिग्री. अब एंगल हम लोग मेजर कैसे करते हैं? वी मेजर दिस एंगल यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉल प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर आपको मालूम होगा, सबके कंपास बॉक्स में प्रोटेक्टर ये इंस्ट्रूमेंट होता है, सबको मालूम है. तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टू मेजर द किसके लिए करते हैं? टू मेजर द डायमेंशन ऑफ दिस एंगल. एंगल का कितना मेजरमेंट है वो मेजर करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर आपको दिख रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और इट एंड्स एट 180 डिग्री. यहाँ पर 0 लिखा हुआ है लेकिन ये होता क्या एक्चुअली, आपके प्रोटेक्टर में आप लोग देख सकते हैं, इट इज 180 डिग्री. ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 180 डिग्री. इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए. सपोज मेरे पास एक एंगल है इस तरीके से. ओके सो ये एंगल को हम लोग मेजर करेंगे बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर. ओके, वी कैन मेजर एनी एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर. अब टाइप्स ऑफ एंगल्स. सो बेसिकली हम लोग को लोअर क्लासेस में सिखाया गया है 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको मालूम होंगे. वन इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल. यहाँ पे दो ज़्यादा टाइप्स और कंसिडर किया हूँ मैंने. एक है रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल क्या होता है वो समझेंगे. देखो एक्यूट एंगल क्या है, वॉट इज एक्यूट एंगल? एनी एंगल विच हैव मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री. कोई सा भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे. रिमेंबर दिस. ओके, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे. नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल. सो वॉट इज ऑब्ट्यूज एंगल? इट इज एंगल विच हैव मेजरमेंट बिगर देन 90 डिग्री. इसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा. किस क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा और स्मॉलर देन 180 डिग्री. मतलब इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 90 डिग्री से और एंड कहाँ तक होता है? 180 तक. सो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा है मेजरमेंट उसका, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे. और राइट एंगल क्या है? राइट एंगल के लिए डायमेंशन फिक्स्ड है. एनी एंगल विच हैव मेजरमेंट इक्वल टू 90 डिग्री. किसी भी एंगल का अगर मेजरमेंट 90 डिग्री है सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल. रिमेंबर दिस. और अगला है रिफ्लेक्स एंगल. सो वॉट इज रिफ्लेक्स एंगल? एंगल हैविंग मेजरमेंट मोर देन 180 डिग्री. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा है. एनी एंगल विच हैव मेजरमेंट मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल. रिमेंबर दिस. This is not included in your syllabus, but this is important. Remember this, that angle having measurement more than 180 degree is called as reflex angle. Now, what is straight line? Straight line क्या होता है? ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. देखो यहाँ पर आपके सामने एक straight line draw किया हुआ है. So ये straight line का भी हम लोग angle measure कर सकते हैं. इसका fixed dimension होता है. स्ट्रेट लाइन का एंगल फिक्स्ड है और वो कितना है? 180 डिग्री है. अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई कंसिडर दिस पॉइंट एज सी. और मैं अगर सिर्फ सी ए सी बी कंसिडर करूँगा तो सी बी क्या हो गया? मेरा रे हो गया. तो दिस इज योर रे 1. ओके, और सी ए क्या हो गया मेरा? ये भी रे हो गया. आई विल कंसिडर इट एज रे 2. सो दोनों रेस के पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, एक ही वर्टेक्स है दोनों का, कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज सी. ये दोनों रेस कंबाइन हो गए तो हमें क्या मिला? हमें एक एंगल मिला. सो दिस इज आर एंगल. सो ये एंगल का मेजरमेंट कितना है? इट इज 180 डिग्री. ओके, रिमेंबर दिस. दिस इज योर 180 डिग्री मेजरमेंट एंगल. सो लाइन को हम लोग एंगल भी कंसिडर कर सकते हैं और उसका मेजरमेंट क्या होगा?
180 डिग्री होगा, रिमेंबर दिस। ओके, तो आप सबको समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन क्या है? ओके ठीक है, सो दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट, ये हमारा क्या था, लास्ट पॉइंट था इस पर्टिकुलर लेक्चर का। नाउ वी विल हैव अ शॉर्ट रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। सो द टॉपिक वाज लाइंस, सेगमेंट्स एंड एंगल्स। ओके, सो फर्स्ट वी स्टडीड लाइन। व्हाट इज लाइन? It is a straight one-dimensional figure that has no thickness and extend endlessly in both directions. ये एक straight one-dimensional का figure है जो दोनों direction में extend होता है, left side से भी extend हो रहा है, right side से भी extend हो रहा है, और इसका thickness नहीं होता। हम लोग line को represent करेंगे L of AB या फिर L of BA। Okay, we will consider it as L of AB or L of BA। लाइन को हम लोग स्मॉल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एम। यू कैन टेक एन ओ पी, एनी अल्फाबेट। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज लाइन एम। ध्यान में रखना है हमें कि हम लोग लाइन के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन। ओके, नेक्स्ट वॉज रेज। रेज क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन एंड पॉइंट कहाँ पर, कहाँ पर ये एंड होने वाला है ये हमें मालूम नहीं होता। ये एक्सटेंड हो रहा है ऑन द राइट साइड। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज रे ऑफ ए बी, रिमेंबर दिस। ओके, जिस तरीके से हम लोग लाइन के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, सिमिलरली वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ रे ऑल्सो। वाई वी cannot measure it? Because this particular ray is extending to an infinite distance. Okay? Next is segment. Segment is also a part of line, but it is bounded by two distinct points, two distinct end points. Okay? So, iske dimension ko hum log measure kar sakte hai, kyunki ye na hi right side mein aur na hi left side mein extend nahi ho raha hai. Wo fixed ek jagah par fixed hai, uske end points kya hai? Fixed ho gaye. Isliye hum log iske डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। सेगमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेग ऑफ ए बी या फिर सेग ऑफ बी ए। ओके, नेक्स्ट है एंगल। सो एंगल क्या है? इट इज फॉर्म बाय टू रेज, रे वन एंड रे टू, एंड दिस टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, जिसे हम लोग क्या कर बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, दिस इज कंसिडर एज वर्टेक्स। अब एंगल को मेजर किया जाता है डिग्रीज में, किसमें, डिग्रीज में, और इस मेजरमेंट के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमारा प्रोटेक्टर। अब टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से है? एक्यूट एंगल है, एंगल विच हैव मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? एन एंगल विच हैव मेजरमेंट बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। राइट एंगल क्या है? वॉट इज राइट एंगल? एंगल हैविंग मेजरमेंट एक्यूरेटली इक्वल टू 90 डिग्री, 91 भी नहीं चलेगा, 89 भी नहीं, प्रॉपर 90 डिग्री अगर मेजरमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अ रिफ्लेक्स एंगल इज अ एंगल विच हैव मेजरमेंट मोर देन 180 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और स्ट्रेट लाइन क्या है? मेजरमेंट हैविंग ऑफ 180 डिग्री, जिसका मेजरमेंट एक्यूरेटली 180 डिग्री होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, ध्यान से देखो, सबको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, और इंडिविजुअली अपना होमवर्क मुझे मैसेज करना है, इंडिविजुअली उसका फोटो निकाल करके मुझे आपको आपको सेंड करना होगा आप लोगों को मुझे। ओके, सो तीन क्वेश्चन है आपका आज के इस लेक्चर के लिए। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ फिगर्स ऑफ लाइन, सेगमेंट एंड रे। लाइन का आपको फिगर ड्रॉ करना है, सेगमेंट का फिगर ड्रॉ करना है, और रे का फिगर ड्रॉ करना है। ये वीडियो में आपको लाइन का फिगर देखे मिलेगा, सेगमेंट का भी और रे का भी, तो वही आप लोग ड्रॉ करो। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको डेफिनेशन लिखना है लाइन का, रे का, सेगमेंट का और एंगल का। सो राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइन, रे, सेगमेंट एंड एंगल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट एंड ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स।
जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल का स्लाइड है उसमें आपको अलग अलग टाइप के एंगल्स देखने मिल रहे हैं, उसको ड्रॉ करो और उसका डेफिनेशन लिखो। ओके सो थैंक यू एवरीवन।